कल मैंने जिस तरह तुझसे रूडली बात की उसके लिए रियली सॉरी यार। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, इतना कुछ किया तुमने मेरे लिए, अपने घर में रहने को जगह दी, ये जॉब। आई शुड बी ग्रेटफुल, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। इट्स ओके यार, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं समझता हूँ जिन हालात से तुम इस वक्त गुजर रहे हो, इसमें इंसान को अच्छी चीज भी बुरे लगने लगती है। थैंक्स यार, आई एम सॉरी अगेन। कहा ना, बार बार कह के ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रहा है? मुझसे तेरे लिए जो हुआ मैंने किया और आइंदा भी करूंगा, इसी का नाम तो दोस्ती है। और अगर मुश्किल वक्त में दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? थैंक्स यार, ये सुन के दिल हल्का हो गया मेरा। तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम हो गया है, ऑफिस की तरफ से तुम्हारे लिए बाइक। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तू ये बाइक डिजर्व नहीं करता, मैंने तो करोड़ों की बाइक्स चलाई हैं। नहीं नहीं यार, इस वक्त तो यही मेरे लिए बहुत कुछ है। बाबा और भाई मुझे हमेशा समझाया करते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शौक और जरूरत में बहुत फर्क होता है। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर दिस। सर, ये तमाम मटेरियल आ चुका है और हमने क्लाइंट को दिखा भी दिया है, बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट कल तक दे देता हूँ। आप एक काम करें, आप फाइनल रिपोर्ट मिस फरियाल को दिखाइए। जी सर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शी हैंडल इट। क्यों फरियाल? क्या कह रहे थे? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी मैंने सुना नहीं, आप क्या कह रहे थे? तो मुझे पहले ये बताओ तुम कहाँ खोई थी? फरियाल तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यू आर ऑल राइट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं फरियाल, तो मुझे कुछ परेशान लग रही है, बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फरियाल अब बता भी दो, यू नो यू कैन ट्रस्ट मी राइट?